क्या था पूरा मामला, किस तरह से इसे ये पकड़ पाए? पुलिस को एक गुमनाम पत्र के जरिए और बाद में पुलिस मुख्यालय एवं इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा ये सूचना मिली है। 24 तारीख को जो AIPMT की परीक्षा है उसमें करीब 300 बिहारी स्टूडेंट्स, बिहार मूल के स्टूडेंट्स यहाँ हल्द्वानी में परीक्षा देने आ रहे हैं और संभवतः इन स्टूडेंट्स को बिहार के कतिपय लोगों द्वारा पेपर लीक करवा के परीक्षा दिलवाई जाएगी। इस सूचना में कल रात्रि हल्द्वानी क्षेत्र में क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी के नेतृत्व में विभिन्न होटल्स में चेकिंग करवाने में पता चला कि वास्तविक रूप से कुछ बिहारी मूल के स्टूडेंट्स यहाँ विभिन्न होटलों में रुके हुए हैं और गोपनीय जानकारी करने पे ये भी पता चला कि वो एक दिन पहले मतलब कल ही ये लोग रामनगर जाने की बात कहकर होटलों से निकल पड़े। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स के मुंह से ये बात स्लिप हो गई थी कि वो प्रतीक्षा रिजॉर्ट रामनगर जा रहे हैं। इस सूचना में क्षेत्राधिकारी रामनगर को आदेश दिया गया कि इसकी छानबीन की जाए, तो वो स्वयं अपनी टीम के साथ सादे वस्त्र में प्रतीक्षा रिजॉर्ट पहुंचे और वहां पे 2 से 3 घंटा ऑब्जर्वेशन करने के बाद जब वो मुतमईन हो गए कि ये वही गैंग है और ये वही छात्र छात्रा हैं जिनको पेपर लीक किया जाना है, तब उन्होंने वहाँ पर रेड मारी। वहाँ पे समस्त पुलिस टीम के साथ जब रेड मारी गई तब वहाँ पे 44 स्टूडेंट्स मिले जो बिहार, छत्तीसगढ़, असम, आजमगढ़ से आए हुए थे, लखनऊ से आए हुए थे। छात्र छात्राएं मिश्रित थे, उनके अभिभावक भी थे और 3 अभियुक्त थे जो इनको व्हाट्सएप पे उनके पास जो उपलब्ध क्वेश्चन थे वो डिक्टेट कर रहे थे और साथ ही में आंसर्स भी डिक्टेट कर रहे थे। अभिभावकों और स्टूडेंट्स दोनों के द्वारा माना गया कि इन अभियुक्तों के द्वारा उनसे करीब 6 महीने से 1 साल पहले कॉन्टैक्ट किया गया था और AIPMT की परीक्षा में उत्तीर्ण करने की सफलता करने की आश्वासन देते हुए 10 लाख से लेकर 50 लाख की सौदेबाजी की गई, जिसमें से कुछ एडवांस पैसा ये लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। इनकी तलाशी लेने पे हमको चेक भी बरामद हुए हैं, ब्लैंक चेक से लेकर 40 लाख रुपए तक के चेक बरामद हुए हैं। टीम ने छापेमारी करते वक्त तुरंत ही इनके मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए थे जो ऑन रखे गए और उन मोबाइल फ़ोन में लगातार मैसेजेस आते गए जिनके बेसिस पे हमें ये लगता है कि इनके सहयोगी और भी हैं और देश के विभिन्न स्थानों पे इसी तरीके की प्रक्रिया विभिन्न स्थानों पे भी ऑर्गेनाइज की गई है, जो हो सकता है वहाँ पर भी प्रकाश में आई हो। तो इनके जो सहयोगी हैं वो पटना, दिल्ली, इलाहाबाद, रांची वगैरह में होना हमें याद हुआ है और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाए। अन्य परीक्षाओं में भी इनका रोल रहा है? अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि वो इस काम में लगभग जो मेन अभियुक्त है संजय और इसके ये वेल नोन वहाँ पे इस रैकेट के लिए वेल नोन है, 4 साल से वो इसी रैकेट में है और विभिन्न परीक्षाओं में मतलब नीट की पहली वाली परीक्षा है, जैसे नीट की दूसरी परीक्षा, नीट की पहली परीक्षा में, SSC की परीक्षा में, बैंक CO की परीक्षा में इस तरह के कार्य लगभग 4 साल से किए जा रहे हैं। लगभग कितने छात्र इनके संपर्क में हैं? देखिए अभी तक यहाँ पे हमें 44 छात्र मिले हैं, लेकिन ये कंसिडर अगर हम करें कि 300 बिहारी मूल के छात्र यहाँ पे आए हैं तो ये संभावना बिल्कुल व्यक्त की जा सकती है कि ये तो केवल एक रेट थी जिसमें ये बरामद हुए। हो सकता है और भी छात्र, कई छात्र इनके संपर्क में जरूर होंगे। दिल्ली में भी शायद इस तरह का कुछ पकड़ा गया है, वो अभी कंफर्म करने की आवश्यकता है। तो रिवॉर्ड का बता दूँ, इस अनूठी सफलता के लिए मेरे द्वारा 2500, DIG साहब के द्वारा 5000 और DGP साहब के द्वारा पुलिस टीम के प्रोत्साहन हेतु 20,000 का रिवॉर्ड डिक्लेयर किया गया।